हर परिवार एक घर में आपका स्वागत है। हाल ही में एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों से घर भेजी राशि 2022 में 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। और भी खास ये है कि भारत में डॉलर रेमिटेंस मेक्सिको, फिलीपीन और चाइना से आगे निकल जाएंगे। विदेशों से आए पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है? क्या वो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया जा रहा है? क्या है एनआरआई का मूड प्रॉपर्टी को लेकर? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं रवि अग्रवाल, एमडी सिग्नेचर ग्लोबल, और अमित कुमार अग्रवाल, सीईओ नो ब्रोकर। अमित, पहला सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे डेटा जानना चाहती हूँ मैं कि नो ब्रोकर ने क्या ट्रेंड्स नोटिस किए हैं। सभी का मानना है कि डॉलर्स के मुकाबले अब रुपया करीबन 20% सस्ता हो गया है 2017 से 2022 के बीच में, और एक डॉलर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है, तो एनआरआई के लिए घर थोड़े सस्ते हो गए हैं इंडिया में, लेकिन क्या वो ज़्यादा खरीद रहे हैं? नहीं मनीषा, आपने एकदम ठीक नोटिस किया है। अभी पिछले एक साल में NoBroker.com प्लेटफॉर्म पर हमने करीब 30-35% बढ़ोतरी देखी है एनआरआईज की, उनकी एक्टिविटी की और उनके खरीदने और खरीदने की एक्टिविटी की। ओवरऑल करीब 13 बिलियन डॉलर से ऊपर था प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट एनआरआईज का पिछले साल, और उम्मीद है हमें कि अगले साल ये 15% बढ़ेगा और करीब 15 बिलियन डॉलर टाइप रहेगा। एक तो मेन रीजन ये है कि डॉलर चूंकि स्ट्रांग हो गया है, तो आज वही उसी प्रॉपर्टी के लिए आपको कम डॉलर खर्च होंगे, तो ये तो सबसे बड़ा रीजन है ही। दूसरा रीजन ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छा कर रही है, और तीसरा रीजन ये है कि अगर आप बाकी ग्लोबली देखें तो वेस्ट में और यूएस में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, जो उनके ऐतिहासिक इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से हाउसिंग के जो प्राइजेज हैं यूएस में स्पेशली, उनके ऊपर बहुत ही संकट की घड़ी है। उसके मुकाबले इंडिया में हाउसिंग के प्राइजेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, जेन्युइन एंड कस्टमर डिमांड बहुत ही रॉक सॉलिड है, इसलिए एनआरआईज आजकल लग्जरी प्रोजेक्ट्स और वेकेशन प्रोजेक्ट्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए उस पर हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन रवि जी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मतलब आप काफी जो एक प्राइस पॉइंट है 1 से 1.5 करोड़ का, उसमें कहते हैं एनआरआईज का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और आपने उसमें काफी प्रोजेक्ट्स अच्छे लॉन्च किए हैं। इंटरेस्ट है एनआरआईज का और बड़ा है पिछले कुछ सालों में? बिल्कुल, पहले से एनआरआईज का जो इंटरेस्ट है इंडिया में रियल एस्टेट को लेके बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर हम एक डाटा देखेंगे, तो अमित जी ने बताया बहुत बढ़िया कि अगर पिछले 9 महीने का 2021 से लेकर 2022 का पिछले 9 महीने से अगले 9 महीने का कंपैरिजन करें, तो करीब 15-20% की ग्रोथ एनआरआईज की परचेज आई, और साथ साथ क्वार्टर में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर करीब 15-20% का जो राइज है वो एनआरआईज की परचेज में इंक्रीज हो रहा है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है, लेकिन मैं साथ में कहना चाहूंगा अपना देश तो अपना ही होता है। एक एनआरआईज के अंदर एक फीलिंग है कि हम अपने देश में आके जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक अपने घर में इन्वेस्टमेंट का जो एक फीलिंग है, होम टाउन में जो फीलिंग की इन्वेस्टमेंट की फीलिंग है, और साथ साथ जो फाइनेंशियल फैक्टर्स जो अमित जी ने बताया कि तो फेवरेबल है कि रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, प्लस में वहां यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रही हैं, ओवरसीज भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, पर इस सेगमेंट के अंदर हर पर्सन को ये कि भी अगर मैं अपने देश में अपना एक घर बना पाऊं, उससे बेहतर फीलिंग कुछ नहीं है, फाइनेंशियली भी और एक एज इमोशंस भी। और तीसरा, इंडिया में जाहिर है एंड यूजर परस्पेक्टिव से डिमांड का लेवल बहुत अच्छा बढ़ा है, लगातार बढ़ रहा है, और जो भी डिमांड है एंड यूजर ड्रिवन डिमांड होती है वो लॉन्ग टर्म चलती है, और यही फीलिंग एनआरआईज को भी है, तो इसलिए आई थिंक सो उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इंडिया में घर लेना हर एंगल से अच्छा। एक समय ये भी था रवि जी, खासकर क्योंकि मैं भी एनसीआर में हूँ, आप भी एनसीआर में हैं, बहुत सारे एनआरआईज को डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, उन्होंने खरीदे थे घर 2010, 11, 12 में,
प्रोजेक्ट्स रुक गए थे और जो है इन्वेस्टमेंट्स की कीमत भी जो है कम हो गई थी उनकी, क्योंकि एक स्लो डाउन हो गया था रियल एस्टेट में। इस समय जो है कैसे उनको, ये सवाल मेरे पास आता है कि अब रियल एस्टेट ट्रस्टवर्दी है, क्या हम पैसा डाल सकते हैं उसमें और हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एनआरआईस को? रवि जी, तब और आज में एक मेजर डिफरेंस आया है, जो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट जिसने बिल्ड करने का काम किया है वो है इंडिया में जो 2017 में रेरा जो एक्ट आया है उसने एक बहुत बड़े बिल्डिंग ब्लॉक का काम किया है, ट्रस्ट बिल्ड करने का काम किया। और साथ साथ पहले से और आज के रियल एस्टेट में फंडामेंटली डिफरेंस आया है। एक जो डिमांड पहले और आज की डिमांड में जो फर्क आया है, आज की डिमांड मेजर एंड यूजर ड्रिवन डिमांड है, प्लस में क्योंकि कस्टमर्स का हित देखने के लिए रेरा एज एन अथॉरिटी उनका ट्रस्ट टेक केयर करने के लिए आगे आई हुई है। तो इन दोनों चीजों को सेगमेंट को ऐड करने के कारण, इन दोनों रीजन के कारण एनआरआईएस को काफी कंफर्ट आया है कि यस दे आर इन द सेफ हैंड्स राइट नाउ, और साथ साथ अच्छे बड़े डेवलपर्स का काफी अच्छे और वैल्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और दूसरी बात, एक सन 2010 में जो आज प्राइसिंग थी, आज सन 2022 में जो प्राइसिंग है उसमें बहुत ज्यादा अंतर न आने के कारण है कि उसमें एक अंडर प्राइसिंग एक आ चुकी है जी, और जो एक आगे ग्रोथ के लिए पर्सपेक्टिव देती है। मैं यही एक और सवाल जानना चाहती हूँ और अमित से। अमित, एक तो है घर खरीदना, आपने खरीद लिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी खरीद लेते हैं, हमारा विचार है हम 5 साल या 7 साल या 8 साल बाद आए देश लौटकर, तो बीच में जो मैनेजमेंट होता है इन घरों का, उसके लिए भी इनको चिंता रहती है कि टेनेंट्स हैं, आएंगे खाली करेंगे। लेकिन अब सुना है कि एक नए एग्रीगेटर्स आ गए हैं, नो ब्रोकर भी उनमें है, तो आप बताइए कि किस तरह से उनकी ये जो वरी है वो आप हेल्प करते हैं उसमें या सेटल करते हैं? देखिए, एक तो बात ये है कि इंडिया के अंदर जो एक बड़ी संख्या में जो घर खरीदे जाते हैं वो पिछले एक साल में जो मैं देख रहा हूँ वो है बेंगलोर में, NCR में, हैदराबाद में। मेट्रो शहरों के अंदर बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, जैसे NoBroker.com भी है, जिसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि आप घर खरीद के हमें जिम्मेदार बना दीजिए, हम ही उसका रेंटल एग्रीमेंट कराएंगे, हम ही टेनेंट ढूंढेंगे, कुछ भी चीज़ टूटेगी फूटेगी तो उसका भी हम आपसे पूछ के उसकी मरम्मत कराएंगे, और जब वो टेनेंट चला जाएगा तो नए टेनेंट को लाने का काम भी हम लोग करेंगे। नो ब्रोकर के अलावा बहुत सारी और भी ऐसी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो ये कर रही हैं और एनआरआईज की लाइफ आसान बना रही है। लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ूंगा कि एक तो ये चीज रेजिडेंशियल के लिए सच है, पर ये कमर्शियल के लिए भी बहुत अच्छी अब हो गई है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज जो भी एनआरआईज जब थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं तो वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। कमर्शियल का मतलब ये नहीं है कि वो इन्फोसिस टाइप का ऑफिस ले रहे हैं, कमर्शियल का मतलब ये है कि वो 100 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट की दुकान या रेस्टोरेंट या स्मॉल ऑफिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा है इकोनॉमिकली, क्योंकि 8-10% आपको रेंटल यील्ड मिलती है साल की, और उसके ऊपर से कैपिटल एफिशिएशन अलग से मिलता है। तो सोफिस्टिकेटेड एनआरआईज के लिए जो कि फाइनेंशियल रिटर्न देख रहे हैं, उनके लिए ऐसी प्रॉपर्टीज जो कमर्शियल हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। और जैसा आपने मेंशन किया, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे आ गए हैं अब जो ये पूरा कमर्शियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम करते हैं जी। वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाते हैं, उसके अंदर आप शेयर ले लीजिए, वही रेंट इकट्ठा करते हैं, सपोज सैमसंग या कोई बैंक उस कमर्शियल प्रॉपर्टी में आया और वही उसको लेके वापस एनआरआईस को देते हैं। फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं अमित जी। हाँ जी, हाँ। चलिए, तो आप, मैं ये सुन रही हूँ कि अगर आपको देश लौटना है, घर में रहना है, तो आप जरूर, ये बहुत बढ़िया समय है, आप डॉलर से बेहतर जो है एक्सचेंज रेट पाते हैं और बढ़िया घर खरीद सकते हैं। और अगर आप रिटर्न्स की तरह देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो कमर्शियल भी देखिए, क्योंकि 8-10% जो कमर्शियल रिटर्न्स है इस समय इंडिया में, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है। रवि और अमित, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए आज। हर परिवार एक घर में आज इतना ही, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का।